अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात जालौन की, तो जालौन से एक खबर है जहां गौ तस्कर शानू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। तो एक खबर आपको जालौन से बता रहे हैं जहां गौ तस्कर शानू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम ने शानू पर एनएसए लगाया है। बीते 14 दिसंबर को पुलिस से हुई थी इस गौ तस्कर की मुठभेड़। शानू और उसका साथी गौवंश के साथ गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद डीएम ने सख्त रूख अपनाते हुए शानू पर एनएसए एक्ट लगा दिया है। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के नगर का ये मामला है। जालौन से खबर है जहां गौ तस्कर शानू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम ने शानू पर एनएसए एक्ट लगा दिया है। बता दें कि बीते 14 दिसंबर को पुलिस और शानू के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें शानू पकड़ा गया था। साथ ही शानू के साथ उसका साथी भी पकड़ा गया था। दोनों को ही गौवंश के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान जालौन से खबर आपको बता रहे हैं जहां गौवंश के साथ गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान गौ तस्कर पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए डीएम ने गौ तस्कर पर एनएसए एक्ट लगा दिया है। तो जालौन से पूरा मामला है जहां एक गौ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डीएम ने गौ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शानू नाम के एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया, उसके बाद उस पर एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जनपद जालौन के थाना रामपुरा का यह प्रकरण है। जैसे ही उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया कि थाना रामपुरा में तैनात एक आरक्षी को पारिवारिक इमरजेंसी के तहत अवकाश की जरूरत है, वह थाना अध्यक्ष रामपुरा उसके अवकाश के प्रार्थना पत्र को उच्च अधिकारियों को अग्रसारित नहीं कर रहे हैं। तत्काल उक्त आरक्षी की पारिवारिक इमरजेंसी को देखते हुए उसे 30 दिन की ईएल स्वीकृत की गई और उसे रवाना किया गया। पूर्व में भी जब भी इस आरक्षी को जरूरत पड़ी है अवकाश की, उसको अवकाश दिया जा गया था। पूर्व में उसे 25 दिवस का अवकाश दिया जा चुका है और पुनः इसे 30 दिवस की ईएल स्वीकृत की गई है। थाना जज रामपुरा का यह कृत्य लापरवाही पूर्ण था और इसके लिए उनके विरुद्ध जांच कराई गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, गौ तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जालौन से खबर है जहां एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया जाता है और जीएम ने उस पर एनएसए एक्ट लगा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिएगा, हम आपको बता दें कि जैसे ही बीते दिनों इन गौ तस्करों की और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें शानू नाम का जो व्यक्ति है इसको ये पूरा गैंग गौ तस्करी का चलाता था और ये अपने साथियों के साथ गौ तस्करी करके उनका वध किया करता था, जिसके बाद 14 दिसंबर 2023 को पुलिस व इन गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें शानू और उसके एक और साथी को गोली लगी थी, जिसके बाद ये दोनों घायल हुए थे और पुलिस ने इनके दो और साथियों को लोडर में गौवंशों को भारी मात्रा में बरामद किया था और उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लगातार जिला प्रशासन के द्वारा इन पर कार्रवाई और शिकंजा कसा जा रहा था। जी विष्णु, क्या माना जाए, क्योंकि एनएसए एक्ट लगाया है, आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे और कितनी मुश्किलें यहाँ पर इस गौ तस्कर के लिए बढ़ते हुए? जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आज सोनू उर्फ शानू के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद जो भी जनपद में गौ तस्कर माफिया है और जो भी जो इस तरीके के कृत्य करते हैं उन लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रशासन का कहना यह है कि लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ प्रशासन सख्त कदम उठाएगा, जिससे कि जनपद में इस तरीके की घटनाएं द्वारा न हो सके और न ही ऐसे गिरोह सक्रिय हो सके जो कि गौ तस्कर जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। विश्व यानी गौ तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, लेकिन यहाँ पर एनएसए लगाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश। जी जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जो एनएसए की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद फिर जिले में इस तरीके के जो भी अपराधी या गैंग पनप रहे हैं उन पे एक लगाम लगी है और उससे उन अपराधियों में एक भय का माहौल पैदा हुआ है, जिससे कि आगे आने वाले समय में जनपद से इस तरीके के कृत्य पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा खत्म किए जा सके, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई जनपद में की गई।
ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं गैंगस्टर रवि काना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर रवि काना पर कार्रवाई करते हुए थाईलैंड से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने लुकआउट नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। थाईलैंड पुलिस के संपर्क में नोएडा पुलिस थी। इस दौरान स्क्रैप माफिया और सरिया चोर पर कई मामले पहले से दर्ज है। गैंगरेप और गैंगस्टर की धाराओं में भी केस दर्ज है। तो यहां पर बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जहां थाईलैंड से गैंगस्टर रवि काना को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है कि गैंगस्टर रवि काना को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो काफी लंबे समय से गैंगस्टर रवि काना फरार चल रहा था। नोएडा पुलिस ने लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। थाईलैंड पुलिस के साथ संपर्क करके नोएडा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और स्क्रैप माफिया सरिया चोर पर कई मामले पहले से दर्ज थे। अब हालांकि पुलिस को सफलता मिली है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि थाईलैंड से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गैंगरेप और गैंगस्टर की धाराओं में पहले से रवि काना पर कई केस दर्ज है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ खबर इसको लेकर, क्योंकि गैंगस्टर रवि काना को सूत्रों के हवाले से खबर है कि थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कमिश्नर रेट को इस वक्त की बड़ी सफलता मिली, क्योंकि रवि काना पे जो है काफी मुकदमे चल रहे थे, 10 से ज्यादा मुकदमे रवि काना पे बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से रवि काना काफी दिनों से फरार चल रहा था, उसके जो गैंग के लोग हैं उन्हें नोएडा पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बाद लगातार रवि काना की धुन के लिए पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही थी। लेकिन उसके बाद लगातार रवि काना की जो वाइफ है उसे पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था, उससे पूछताछ की जा रही थी, वो भी जो है विदेश भागने का प्रयास कर रही थी। लेकिन नोएडा पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से पिछले साल का ये मामला बताया जा रहा है कि ऐसे अपने साथियों के साथ में रवि काना ने जो है महिला के साथ में गैंगरेप किया था, उसको देखते हुए तो लगातार पुलिस ने मामला पूरी तरीके से छानबीन कर रही थी। लेकिन रवि काना जो है काफी दिन से फरार चल रहा था। लेकिन आज सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जिस तरीके से गौतम नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि थाईलैंड से जो है रवि काना को गिरफ्तार किया है। बैंकॉक में अपनी जो महिला मित्र है उसके साथ में इन्हें गिरफ्तार किया है। लगातार पुलिस इसकी तजवीज दे रही थी, उनके 120 से ज्यादा करोड़ की जो संपत्ति है उसे प्रूफ कर चुकी है नोएडा पुलिस। लगातार इस पे छापेमारी कर रही है, जिसमें इनके जो बैंक से नितिन, क्योंकि लंबे समय से फरार थे रवि काना, लुकआउट नोटिस नोएडा पुलिस ने जारी किया, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी, और जैसा आपने भी बताया कि उनकी जो पत्नी है पहले हिरासत में ले लिया था, अब थाईलैंड से रवि काना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या माने इनसे और इनके गैंग से जुड़ी जो कड़ियां हैं कहां तक पहुंच रही हैं अभी? देखिए बिल्कुल बता दे रही है, जिस तरीके से रवि काना को आज जो है थाईलैंड से जो है बैंकॉक से इसे गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है लगातार नोएडा पुलिस इसको जल्दी से जो है नोएडा लेके आएगी, लगातार इससे पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से इनसे काफी संपत्ति अपने पास में कर रहे थे, क्योंकि गैंगस्टर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हरिंदर प्रधान के बड़े भाई हैं, लगातार ये स्टेप माफिया थे, वो माफिया थे पूरी तरीके से, लगातार इनका काम जो है काफी बर्दाश्त कर। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से इन पे जो है नोटिस दिए गए थे, तो उसके बाद लगातार जितने भी मुकदमे हैं 10 से 11 मुकदमे इन पे जो है पुलिस ने अभी तक कायम कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस इन मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो इनके साथी हैं उनको पहले से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा, क्योंकि बताया जा रहा है कि रवि काना के जितने भी बैंक लॉकर हैं उन लॉकरों को जो है सीज कर दिया गया, बैंक में जाकर उनके खातों को बंद करा दिया गया, अकाउंट से लेन देन को जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही थी। नोएडा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि रवि काना जो एक माफिया है। बिल्कुल नितिन, तो यहाँ पर बड़ी कामयाबी नोएडा पुलिस को मिलते हुए गैंगस्टर रवि काना को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं जौनपुर में समाजवादी पार्टी के जौनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध हमने देखा किस तरह से हुआ। विरोध करने पर मुंगराबाद शाहपुर विधायक पंकज पटेल द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की के मामले में विधायक सहित 4 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सोमवार को सपा लोकसभा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम था। इसी दरमियान सपा कार्यकर्ता अश्विनी तिवारी द्वारा बाबू सिंह कुशवाहा की गाड़ी को रोककर विरोध जताया जा रहा था। इसी बीच सपा
से पंकज पटेल ने धक्का देकर अश्विनी तिवारी को हटा दिया। इस मामले में अश्विनी तिवारी ने विधायक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर विधायक पंकज पटेल, रामस्नेही यादव, शुभम पाल और रोहित यादव के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राजनीतिक दल के प्रत्याशी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान मोरा बादशाहपुर में उनका काफिला गया था। वहाँ पर उन्हीं के पार्टी के कुछ नाराज समर्थकों द्वारा नारेबाजी की गई थी और उनके काफिले के सामने आकर के विरोध किया गया था। और इसी दौरान एक जनप्रतिनिधि के द्वारा गाड़ी से उतर करके एक विरोध कर रहे व्यक्ति को हटाने का प्रयास करते हुए मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस घटनाक्रम में जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की बात सामने आई थी, उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, उस पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। खबर लखनऊ से है, जहां महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। महिला ने अपने पति को जूतों से पीटा। कई घंटों तक फैमिली कोर्ट के बाहर जमकर फैमिली ड्रामा चलता रहा। फैमिली ड्रामा देखने के लिए रोड पर लोगों की भीड़ जुट गई, तो वहीं जूते से पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फैमिली कोर्ट के बाहर ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल महिला जूते से अपने पति की पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली कोर्ट के बाहर किसी विवाद को लेकर दोनों के बीच हाथापाई दिखी और पति को जूते से पीटती हुई महिला दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं लखनऊ के हजरतगंज के वीवीआईपी क्षेत्र का इन दिनों बहुत बुरा हाल है। भीषण गर्मी में गंदे पानी से लोग परेशान हैं। सैकड़ों घरों में सीवर का गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे परेशान होकर लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। वहीं ललितपुर से खबर सामने आ रही है, जहां मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की गई। आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खेलने पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 68,000 रुपए सहित 11 मोबाइल और स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई से सट्टोरियों में हड़कंप मचा हुआ है। वही रायबरेली में 5 दिन से लापता बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल गांव के बाहर जंगल में स्थित कुएं से 15 साल की नाबालिग का शव बरामद किया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव का बताया जा रहा है। वहीं रायबरेली शहर के प्राचीन मंदिर में हनुमान जयंती मनाई गई, जहां बजरंग बली का
दूध से अभिषेक किया गया। बता दें कि भारत की दूसरी श्याम रंग की हनुमान जी की मूर्ति यहां स्थापित है, जहां भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। इस खास दिन पर शहर के अभयदाता मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पहले सुबह से अभयदाता जी का भव्य अभिषेक हुआ, श्रृंगार हुआ, आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, अब दोबारा श्रृंगार चल रहा है अभयदाता जी का भी। श्याम वर्ण हनुमान जी जो तमिकासुर राक्षस था, जब सभी देवी देवता गाय के अंदर समाहित हो गए थे तो केवल हनुमान जी बचे थे, तो जब उसने तमिकासुर राक्षस ने हनुमान जी की ही शक्ति से दूसरे हनुमान जी निर्मित कर दिया, श्याम वर्ण हनुमान जी। जब दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तो हनुमान जी देवताओं ने कहा एक दूसरे को पहचानो, जब हनुमान जी ने पहचाना तो फिर वो हनुमान जी समाप्त करे, फिर श्याम हनुमान जी का रूप रखा था। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।